Uh, good morning stu good morning, students. I hope you all are doing well, so today we are beginning with the same chapter number seven with the section two Ramzan, fin Ramzan finished his tea quickly except fetched the horse and told the owner of the shop I would better hurry i don 't want to reach home drenched to the skin.

गिगनेटिक गग्नेटिक क्या होता है रशिंग साउंड निकालना स्नो पीक्ड जो भरे पहाड़ भरे होते हैं बर्फ के साथ रंबल रंबल के होते हैं थोंड आवाज़ बहुत ज़्यादा आवाज़ें निकालनी अब इस पैराग्राफ का मतलब क्या है कि वो जो जाता है जो बॉय या रिवर के साथ जाता है तो वो देखता है कि जो स्काई है वो बिल्कुल काली हो चुकी है जो बादल है वो घने सॉरी बहुत काले हो चुके हैं और जो तूफान जब आता है जो उसकी लीव्स है उसकी शाखाएं ज़ोर ज़ोर से वो हिलती है और उसके मुंह पे बजती है उसके बहुत पेन होती है राइट इफ आई टेक द शॉर्टकट आई माइट जस्ट मेक इट व्यूमेन टाइम कहता है तो यहाँ पे शॉर्टकट लू तुम्हें तो टाइम पे घर पहुंच जाऊं रमजान थॉट ही सेट कम ऑन बुलबुलट गो ही गाइडेड हॉर्स इन टू द वुड्स ऑन टू द स्मॉल ब्रिडल पाथ ब्रिडल पाथ होता है रफ पाथ होता है जो सिटेबल होता है पीपल राइडिंग या वॉकिंग के लिए वो उसे कहता है कि रमजान यू कैन डू इट उसको वो कुछ वुड के हिडन वुड्स के साथ उसको साथ साथ में उसको ले जाता है आप एक स्टोरी क्रिएट कर लो अपने माइंड में जब तूफान आता है तो आप कैसे उस हॉर्डल्स को क्रॉस करोगे ओवर हेड ही हर्ड द विंड टीय एट द ब्रांचेज इट स्विस्ट थ्रू द अंडरवुड एंड वेप्ड इन टू द रमजान फेस रॉबिंग हिम ऑफ इस ब्रेथ राइट सेम स्विच मीन भयानक सी आवाज़ें वजेंगाती थी विपड उ बिटन की जैसे एग्जांपल हम बेटा पैदल चल रहे हैं तो तूफान आ जाए जो पत्ते हैं वो हमारे मुंह पे लग रहे हैं ऐज सेम एज शोन इन द पिक्चर कि वो डर गया है और जो शाखाएं हैं शर्ब्स है से उसके लग रही है हरी ये बुल बुल जल्दी करो और द बॉय क्रॉसिंग लो ओवर द हॉर्स नेक क्रॉसिंग होते अपना जो लेग्स है वो बेंड करनी और फेस को ऊपर करना द हॉर्स को ऑन श्योर फुटेड एंड कॉन्फिडेंट ही न्यू द फॉरेस्ट एज वेल एज हिज मास्टर मे बी इवन बैटर

थी तो और मेरे जो मेरे जो आवाज़ें थी वो मेरे कानों में बार बार स्पलेट हो रही थी द हॉर्स आय स्प्रिक आइज होता है बड़े केयरफुली घोड़ा सुन रहा है टाइटनिंग द रेन कॉक्स द रेंज हॉर्स उसने उसको थोड़ा सा समझाया ईजी नाउ इजी यू आर डूइंग इट कहता कि हॉर्स को बोलता बुलबुल यू यू रिलैक्स कि सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि वो खुद तो घबराया था और वो जो अपने हॉर्स को था वो मोटिवेट कर रहा था बुलबुल नेट एंड टॉर्च हिज हैड अनदर सीरीज ऑफ क्विक फ्लैशिंग ऑफ लाइटिंग पिर्स द डार्कनेस ऑफ द होता है, लाफिंग और पिच क्या होता है थोड़ा सा ऊंची उच्ची वो थोड़ा सा घबरा गया था और शॉपिंग गाइस के साथ उसको देख रहा था वुड्स को राइट की पता नहीं ये क्या हो रहा है यहाँ फिर वो कहता है एंड देन इट हैपेंड एंड द हॉर्स केम इन टू हॉल्ट इमोबलाइज विद फियर मतलब इतना डर गया था जो इमोबलाइज मतलब नॉट मूविंग हिल नहीं रहा था कौन बुलबुल एंड देन इट हैपेंड द नेक्स्ट फ्लैश वॉज सो क्लोज रमजान थॉट इट हैड स्ट्रक हिम रमज़ान ने सोचा कि ये चीज़ें मेरे को स्ट्रक कर गई है ए डिफेनिंग थंडो बॉल्ट ऑलमोस्ट जगड हिम ऑफ द सैडल जो उसका जो डिफेनिंग था जो उसका uh, हॉर्स था उसको लगा उसने उसको एकदम थम दिया उसको उसने चुप करवा दिया कि मीन्स डिफिनिंग होता है जो लार्ड साउंड ने उसको मतलब स्ट्रक कर दिया एक तरह का वो डर गया था राइट द हॉर्स वेंड वेंट क्या होता है हाई पिच पे जोर से चिलाना एंड स्ट्रेंड अगेंस्ट द रन स्ट्रेंड क्या होता है बेटा ग्रेट एफर्ट अपने बॉडी को इतनी जोर से उसने एफर्ट लगाया कि वहाँ से वो हिल गया ही रेअ अप एंड नेड एंड फ्रेंटेकली कहता उसने उस, मतलब वो डर गया था फ्रेंटिकली क्या होता है वो डर गया था फियर डाउन डाउन ऑर्डर रमजान डाउन दैट्स गुड हॉर्स एंड ही प्रेस्ड हिज हील्स रिस इनटू द हॉर्स फ्लैंक्स फ्लैंक्स होता है द साइड ऑफ द बॉडी बिटवीन द रिब्स एंड द हिप्स मतलब हि मोटिवेट हिज हॉर्स टोल्ड यू इन द लास्ट सेक्शन की ही सड कि येस यू कैन यू डू इट राइट उसको बहुत प्यार से उसके प्यारों को वो पकड़ता है और उसको बोलता है कि तुम कर सकते हो द हॉर्स टू रिजड एंड ऑल हिज सेंसेज अट्यून टू डेंजर मतलब रिजड में वो वहाँ पर खड़ा हो गया अकड़ के खड़ा हो गया और अट्यून होता है अवेयर अब उसको सब कुछ वहाँ पर डेंजर का पता था देन फ्राम द ट्री ओवर हैड रमजान हर्ड एड डिफिनिंग मून

सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिसक्शन टू आई होप आपको बटा हाँ, ये चैप्टर समझ आ गया होगा सेक्शन टू अब हर्डल्स उसने क्रॉस करने हैं वो हर्डल्स कैसे क्रॉस करेगा ये हमने सेक्शन टू में पढ़ लिया है सेक्शन वन में पढ़ा था कि उस, उनको वहां पे वो बुलबुल -बुल को बेचना चाहता है उसके फादर सेकेंड में वो उसको जब कैंपेन में ले जाता है तो रस्ते में फंस जाता है राइट सो दिस इज योर होमवर्क वर्क इन प्यर डिस्कस एंड आंसर्स दिस क्वेश्चन राइट सो ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्शन विच वी हैन डू दिस So thank you and have a nice day.